पहली चीज जिस वर्कशॉप में आप आए हैं ये है ऑयस्टर मशरूम की हैंड्स ऑन वर्कशॉप। ऑयस्टर मशरूम एक ऐसा मशरूम है जो कि एक ही मशरूम है जिसकी अलग अलग वैरायटीज है। अगर हम मशरूम की बात करेंगे तो ऑयस्टर, मीठी, बटन, बहुत अलग अलग तरह की आपको मशरूम मिलेगी। एन नंबर ऑफ मशरूम, मतलब बहुत अनेक प्रकार की मशरूम आपको मिलेगी। पर ऑयस्टर मशरूम एक ऐसी मशरूम है जो पूरे साल आप कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत, अगर आप बहुत राजस्थान या पंजाब से लोग आए हैं हरियाणा, वहाँ टेम्परेचर हाई होता तो आप वहाँ 30 तक ले आते हैं रूम का टेम्परेचर, तो आप पूरे साल इस जगह को कर सकते हैं। नहीं तो काफी सारी जगह है अभी दुनिया में जहाँ पे पूरे साल भी करी जाती है। 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक अलग अलग वेराइटीज आती है। अब इसमें हैंड्स ऑन वर्कशॉप यहाँ पे जो ये है, इसमें सारा का सारा जितना भी काम है ये प्रैक्टिकली आप लोग ही करेंगे। इसमें 20% क्यूटिकल होगा। आज मैं आपको मुश्किल से एक घंटे के लिए मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि आपने आने वाले 3 दिन यहाँ पे क्या करना है। और उसके बाद जब आपका थर्ड डे यानी कि जो लास्ट डे होगा जिसमें आप लोग बैग बनाएंगे मशरूम का, उस दिन जब आप अपने साथ के 4-4 मशरूम के बैग जब आप लेकर जाएंगे तो आगे आने वाले जो 20-25 दिन है आपको इसका किस तरीके से तैयार रखना है और 15 से 20 दिन के अंदर किस तरीके से आपकी क्रॉप निकलेगी, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यही से होगी कि एटलीस्ट मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ कि आप लोगों को करना क्या है ये 3 दिन। और करना क्या है मतलब पढ़ना नहीं है, सारा प्रैक्टिकली करना है। ये जैसे आप लोगों ने टैंक देखा है बाहर भूसा भी है, तो ये सारा का सारा आप पहले यहाँ पे भूसा का जो प्रोसेस है, भूसा का प्रोसेस क्यों, मशरूम क्या है, एक फंगस है और फंगस को फैलने के लिए एक माध्यम चाहिए। तो यही माध्यम यानी कि जो मीडियम है ये भूसा हो सकता है, आप यूज कर सकते हो पैडी स्ट्रॉ, यूज कर सकते हो वुडन शेविंग जो लकड़ी का बुरादा होता है। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप मशरूम की खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जो चीज हम फैट देते हैं जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं होता, आप वो भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ड्राई पॉपुलर लीव्स है, कोई सोचता भी नहीं होगी सूखी जो पॉपुलर की पत्ती है इसके आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लोग मशरूम कल्टीवेट कर सकते हो। तो मशरूम को माध्यम चाहिए, आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप माध्यम क्या चाहिए किस तरीके से दिया सेकेंड बारी में जाना जब आप लोग एक बार एक क्रॉप ले चुके हो। तो आप सबसे पहले जैसे आप लोग यहाँ पे आए हैं आज जो फर्स्ट डे है, सबसे पहला कुछ कह रहे हो आप, आज जो फर्स्ट डे है सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है हम लोगों को वो करना है भूसा। आपने बाहर देखा होगा जब आप लोग आए हैं तो बाहर भूसे के बैग्स लगे हुए हैं, भूसा भरा हुआ है, तो वो जो सारा का सारा भूसा है उसका हम शुद्धिकरण या स्टेरिलाइजेशन करेंगे। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं इसमें काम करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है बॉइलिंग वाटर मेथड, यानी कि जो आपने सारा का सारा जो पानी उबाला, जो पानी उबालते हैं उसमें भूसे को डालते हैं 5-7 मिनट के लिए, पर वो 10-15 किलो भूसे में तो ठीक है, पर अगर आप ये सेम मेथड करीबन आप चलाएंगे 3 क्विंटल भूसे से आपकी शुरुआत करेंगे मशरूम की, 15 किलो भूसे में आप घर घर भी नहीं खेल सकते हो मशरूम के साथ। अब जब हम बात करते हैं बड़े लेवल से मशरूम उगाने की तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप बॉइलिंग वाटर मेथड करो क्योंकि उसमें काफी ज्यादा एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। इतना बड़ा बर्तन एक कंटेनर आप लोग लेकर आना, आप उसमें पानी उबालना बहुत रिस्की होता है। दूसरा होता है पाश्चराइजेशन, बॉयलर बनाते हैं, बॉयलर खरीदते हैं और एक रूम में उस बॉयलर को कनेक्ट करते हैं जो उसकी फ्लो होते हैं ना उसमें भी छेद होते हैं, एयर प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उसमें वो स्टीम पूरे आपके भूसे में जाती है, उसमें 15-20 लाख तक का खर्चा आता है। वो तब करना जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब आप बहुत बड़े लेवल में लाखों लाखों की मशरूम एक दिन की प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उस लेवल तक आने के लिए पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक होता है केमिकल स्टेरिलाइजेशन, आप केमिकल्स भी ऐड कर सकते हो या ऑर्गेनिक वाला जैसे आपने इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड यूज कर सकते हैं, आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो इसमें जो ही केमिकल स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है वो मैं आपको बता दे रही हूँ और आप लोगों ने यहाँ पे वो प्रैक्टिस करना है। डाल दीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं कोई गूगल या बुक्स पढ़ के आप लोगों को नहीं समझा रही हूँ,
जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रही हूँ। कभी आप कौन बनेगा मैं भूल जाऊंगी मैं आपको क्या समझा रही हूँ। कोई कुछ कोई नोट्स नहीं बताए हैं मैंने आप बनाए हैं आप लोगों से बात करने के लिए आप लोगों को समझाने के लिए। जो चीज मुझे सही लगती है जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस उसको सिस्टमेटिक वे से आपको प्रेजेंट कर रही हूँ कि ऐसा 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 करना है। ये जो मशरूम है वो डिग्री मशरूम या ऑयस्टर मशरूम है। फिर अभी जो मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ वो सबसे पहला प्रोसेस है केमिकल स्टेरिलाइजेशन। या जो आप माध्यम लोग हैं जो आपने माध्यम लिया है उसका शुद्धिकरण। माध्यम आप यहाँ पे क्या ले रहे हो भूसा उराल और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं पर यहाँ पे हम जिसको प्रैक्टिस करेंगे हम इसके लिए ले रहे हैं माध्यम भूसा। उसके लिए सबसे पहले टैंक लिया है 200 लीटर का 100 लीटर पानी डाल दिया। अब आपने जो केमिकल डाला है आप डालेंगे 125 ml फॉर्मलिन दस से 12 ग्राम वेबस्टीन। आपने पानी लिया 125 ml फॉर्मलिन डाला और वेबस्टीन डाला और उस पानी को पूरा मिलाया इस टैंक में। आप 100 ml पानी में 125 ml फॉर्मलिन और 10 से 12 ग्राम वेबस्टीन जब आप डालेंगे है ना तो इसमें क्या होगा कि आप अगर पानी ज्यादा लेते हैं 100 लीटर के बदले 1000 2000 3000 4000 लीटर पानी लेते हैं उतनी बारी आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 लीटर पानी में अगर 125 ml जा रहा है तो 1000 लीटर पानी में 125 ml को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से 2000 लीटर में 20 से 3000 लीटर में 40 से। तो जितना आपका पानी का जो कंसंट्रेशन है वो मतलब पानी का जो रेशियो है आपका बढ़ेगा उस हिसाब से आप अपना फॉर्मलिन और वेबस्टीन भी बढ़ाएंगे। तो उसके बाद जब पूरा मिला दिया इसमें मिलाने के बाद पूरा आपको ना भूसा मिलाना है 10 से 15 किलो वीट स्ट्रॉ मिलाना है आपको इसमें वेबस्टीन जो है वो फंजीसाइड है मतलब भूसे में जो भी फंगस वगैरह होगा वो उसको खत्म करेगा और इसी में अगर कीड़े मक्खी मच्छर होंगे इंसेक्टिसाइड है फॉर्मलिन वो उसको पूरा खत्म कर देगा। अब आप जब भूसे में पानी को मिलाएंगे तो उसको पूरा दबाएंगे पूरा मिला के उसको दबाएंगे उसको प्रेस करेंगे ऐसे नहीं कि ऐसे से मिलाया छोड़ दिया। पानी और भूसा पूरा मिक्स हो जाना चाहिए और ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आप आज करेंगे भी आप लोग देखेंगे भी चाहे तो आप वीडियो वगैरह भी बना सकते हैं ताकि आप लोगों ने जो पढ़ा जो लिखा और वो किस तरीके से करना आप वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि अगर आप खुद से करें तो आपको भी याद रहे कि किस तरीके से करना है। पूरा भूसे में पानी को मिलाने के बाद कवर कर देंगे इसको ढक्कन लगा देंगे ऊपर से 100 लीटर पानी में ध्यान रखिएगा कि 10 से 15 किलो भूसा आएगा तो उस हिसाब से जितना आपको भूसा होगा पानी भी उस तरीके से लेंगे। आप इसको ढक्कन इसको बंद करना है 16 से 18 घंटे के लिए। आवाज आ रही है आप लोगों को पीछे हाँ 16 से 18 घंटे के लिए आपको क्या करना है कवर कर देना है पूरा का पूरा आप उसे कवर कर दोगे। क्यों क्योंकि देखिए जहां पे भी कॉन्टैक्ट बेसिस में तो स्टेरिलाइज हो गई कीड़े मक्खी मच्छर मर गए पर इन केस कहीं थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो फॉर्मलिन का जो गैस निकलता है वो फ्यूम्स के बेसिस में पूरा उसको स्टेरिलाइज कर देगा। इसलिए आपको 12 से 16 से 18 घंटे उसको पूरा कवर करके रखना है। अब 16 से 18 घंटे कवर करने के बाद आप लोग ये नोट कर लीजिए कि आपको सारा का सारा पानी ड्रम का बाहर फेंक देना है। कवर करने के 16 से 18 घंटे बाद कवर कर दिया 16 से 18 घंटे के लिए बंद कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप 16 से 18 घंटे बाद आपको सारा का सारा पानी फेंक देना है। 16 से 18 घंटे बाद 16 से 18 घंटे के लिए
After 16 to 18 hours, after क्या करना आपको? 18 hours के बाद 16 से 18 घंटे के बाद आपको जितना भी वो पानी है वो पूरा drain out कर देना. पूरा पानी drain out कर देना, यानी कि पूरा पानी आपको निकाल देना है अलग से. पानी को pack देना है. अब जो आपका भूसा होगा उस भूसे को आप यहाँ पे फैलाएंगे. ये पानी निकालना फैलाना ये सारा काम कल होगा. आज आप वो भिगाएंगे, कल निकाल के पूरा ये आगे तक फैलेगा. पूरा आगे तक आपको भूसा फैलाया जाएगा और भूसे को क्या करेंगे आप स्प्रेड करेंगे. और 24 आवर्स 24 घंटे के लिए आप 24 घंटे के लिए पूरा भूसा फैला देंगे आगे तक. उससे ये होगा जब आप पूरा भूसा आगे तक फैलाएंगे तो पहली चीज भूसे का जो मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा होगा. पानी टपक रहा होगा, पानी गिर रहा होगा पूरा का पूरा उसमें से. भूसे को 24 घंटे का रेस्ट देना है, भूसे को 24 घंटे के लिए पूरा फैला देना है.